हाँ कभी आना, हाँ ध्यान कर, हाँ हाँ मैं ध्यान कर रही हूँ, आप आ जाना दोबारा, ठीक है। हाँ तीन चार दिन, पांच चार दिन तो पता नहीं चला, कल से अकेले हो जाओ, हैं पर आना जरूर, हाँ ठीक है, काकू को भेज दूंगी, ले आएगा, ठीक है। हेलो गाइस, मैं जब दोपहर को ना, हम लोग 12:30 तक वापस आ चुके थे क्योंकि हम गए थे सुबह जल्दी, तो मैंने कहा मैं आपको ना आराम से सामान दिखाती हूँ घर जाके। काफी चीजें तो आपने देखी थी जो मैंने ली थी, बाकी मैंने कहा पूरा मैं एक पूरी वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैंने सिर्फ सामान खरीदा था वो मैं आपको अलग से दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये ना काकू के लिए, मुझे याद आ गया मैंने दो बेल्टें ली, तो ये काकू ने बोला नहीं था बट मेरे को साथ ही ना मैं कुछ ले रही थी उसके साथ ही बेल्ट वाला भैया था, देखना ये सही है, देखना चीज सही है, ये मिली मुझे गाय 150 रुपए की दो, वो बोल ही 150 का रहा था, कम तो होते नहीं, एक ही प्राइस होता है, कई जगह बार्गेनिंग हो जाती है कई जगह बिल्कुल नहीं होती, उसने कहा था 150 की दो, मैंने ले ली, मैं कहा 150 में क्या जा रहा है, इसमें भी क्या सस्ता कराओगे, हाँ इसमें क्या सस्ता कराती, कैसी है, ठीक है ना चीज। एक मैंने ली काकू के लिए ब्राउन, या आप ले लो एक, एक ब्लैक ली है मैंने काकू के लिए, दोनों ले ली, या इसके पापा ले ली, वो कहने में पाया है, मैं कहा ठीक है। फिर ये ली है कैंची, ये भी टूट गई थी बड़ी वाली ना, हाँ टूट गई थी, ये 50 रुपए की है दोनों, हाँ दोनों 50 रुपीज सेट है ना, पूरा सेट है, छोटी का बड़ी का, ये 50 रुपीज का मिला मुझे, मैं कहा दोनों ले लेती हूँ, हमने पूछा छोटी, वो कहता नहीं पूरा सेट ही मिलेगा, मैं कहा दे दो कोई बात नहीं। हाँ। तो ये मैंने ली दो, और फिर लिए मैंने, मैं बताती हूँ ये हैंकी, अच्छा हाँ इसमें भी ना गाइस बहुत क्वालिटी थी, 100 रुपए से शुरू थे, जो फाइन कपड़ा था ना वो थे 240 का, इससे भी ऊपर थे, पर मैंने कहा मीडियम वाला 240 के, ये 12 है तो 20 रुपए का एक पड़ा, कोई वो नहीं है, अगर आप ढंग का हैंकी लेते हो मार्क दुकान से लेते हो या शॉप से लेते हो 30 या 35 रुपए का मिलता है, तो ये मुझे बेस्ट लगा, मैं 240 के 20 रुपए का एक है, ये मैंने इकट्ठे उठा लिए, ये उठाए, और क्योंकि वहां ना आपको एक दो हैंकी नहीं मिलते, पूरा सेट ही मिलता है, और एक जगह से ना कहाँ गई कवर पता नहीं पका। और एक चीज दिखाती हूँ, मैंने गोकू के लिए भी शॉपिंग की है, वेलवेट की ड्रेसेस, हाँ ये भी 12 मिली है, मैं आपको बताऊँ, ये देखिए इसमें क्या है, हर कलर की देखो आप, दो है, थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ, हाँ ये देखो दो कलर है, हाँ एक कलर के दो पीस, एक कलर के दो पीस, तो हमने कहा 6 दीदी ने लिए, 6 मैंने ले लिए, ये हमने 12, हाँ ये 6 है मेरे पास, अच्छा दो है, हाँ ये ना 30 रुपीज ईच पड़ी है, अच्छा ये मुझे पता है, ये 180 के 6, 380 के, 180 के 6, 360 के, हाँ ये ऐसे पड़े हैं हमें, 180 के 6, 360 के 12, नहीं हाँ 12 ड्रेसेस, तो हमने इकट्ठी ले ली, बस कलर दीदी ने अलग ले लिया, मैंने ये वाले कलर ले लिए, और ये थे हैंकी जो मैंने आपको दिखाए थे, ये वाले उस पे सबसे बेस्ट जो था यही हैंकी थे, हाँ ये 140 के करीब, ये थे इसमें 12 11.5 रुपए का करीब, भैया बोल रहे थे एक पड़ा ये, हाँ, सही है, और क्या? कोई और ये सबसे बड़ी बात है, ये खोलना नहीं, जो इसका हुआ है ना फैब्रिक कपड़ा जो है वो बहुत अच्छा है, देखिए मैंने कहा पूजा को भी बोला है, मैं कहा तू भी ले लियो, मैं कहा मैं इकट्ठे ले आई हूँ 12, तो कुछ पूजा को दे दूंगी कुछ मैं यूज कर लूंगी, ये टॉवल ये हम, ये एक भैया ने लूज दे दी थी 10 रुपीज की है, ये सब कुछ सस्ता है वहाँ पे, ये वहाँ पर बहुत सस्ता है सामान, अच्छा और ज्यादा लो तो और सस्ता पड़ता है, तो मैंने एक ही ले ली थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बड़े वाली एक है, वो काकू यूज कर रहा था उसमें ना ऑयल, ये सही है वाली, ये वाली यूज कर लूंगा मैं, ये काकू को दे दूंगी वो मैं वॉश करके वो ले लूंगी, और ये आपको मैंने गाइस दिखाई थी ये सॉक्स का, ये पड़ी है हमें 100 रुपए के 3, ऐसा लग रहा है मेले लेके आया सब कुछ आज, हाँ ये 100 रुपए के 3 पड़े हैं, अच्छा। तो कोई और सबसे बड़ी बात है कि ना इसकी ना जो क्वालिटी है, मैंने भैया खोला है भैया के देखी थी बेस्ट क्वालिटी की, मैंने खुली हुई देखी तो मैंने खरीदी, मुझे लगा कि सस्ती है, हो सकता है चीज ना अच्छी हो, क्योंकि ये नो कितना 3-3-6 हाँ 9 जुराबे हुई 100 रुपए में, तो मुश्किल से 11 रुपए की भी पड़ी, और लेकिन ना सॉक्स अच्छी है देखिए इनका, ये तो छोटी है, इसका फैब्रिक अच्छा लगा मुझे, काकू के लिए मुझे अच्छा लगा था, और बिल्कुल कॉटन की है, सही है ना, सर्दियों की है ना, सिंथेटिक बिल्कुल नहीं है, कॉटन की है पूरी, टॉवल और क्या लाए हो, तो ऐसे 3 लिया मैंने, अलग बैग दिखाओ बैग, हाँ और ये देखिए आपको ना ज्यादा सामान जो दिखेगा काकू का ही दिखेगा,
सब काकू नहीं समझो, हर शॉपिंग जो हुई है काकू की हुई है। ये बैग लिया मैंने, आप देखिए यहाँ मैंने मंगल बाजार से पिछली बार काकू के लिए लिया था, अच्छा नहीं निकला क्योंकि पीछे ना नेट था सारा। हाँ, तो मैंने पीछे से जल भी गया था थोड़ा सा। इस बार मैंने भैया से स्पेशली बोला मुझे नेट वाला मत देना, मुझे प्लेन दो। वो नीचे रखते हैं ना हम वहाँ पे। हाँ, तो देखिए इसका पास बहुत काकू भी मुझे देखते पक्का है बिल्कुल, कह रहा मम्मी बड़ा पक्का बैग लाए हो। हाँ हाँ, सब कुछ सही मिल जाता है। तो ये मुझे मिला था 250 का, और जबकि यहाँ मैंने 300 रुपए का लिया था, बिल्कुल बेकार निकला है। ये 250 का उससे लाख गुना सही है। और कुछ? और बस यही लाए हो? नहीं नहीं और भी लाए। और क्या लाए हो? ये दो टॉवल मैंने लिए है, हैंड टॉवल ये वाले और ये वाला। अच्छा, ये कलर तो उधर लाइट ही थे इसमें, ये कलर सही है, दोनों सही है। तो ये मुझे पड़ा है 20 रुपीज ईच, ये भी सही है। 40 के दो। फिर मैंने ली आगे सॉक्स अपने लिए। हाँ, ये मेरी अपनी सॉक्स नहीं है, और जबकि वैसे मैं अगर मंगल बाजार से या किसी शॉप से लेती हूँ तो 300 रुपए की बढ़ती है ये एक जोड़ा, क्योंकि गर्म है सर्दियों के लिए। तो ये मुझे पड़ा है 50 रुपीज के तीन, ठीक है। तो ये 50 के 3 पड़े, ये मैंने भी ले लिए। और ये एक लिया है, अच्छा कार्ड, कार्ड काकू उसने लाया था, कितने का लाया था ये यहाँ से? वो लाया था 150 रुपए के, वो 120 रुपए के 25 थे, वो 120 के 25 वो तो सही थे, पर वो हल्के थे थोड़े से, बहुत हल्के थे वो। ये क्वालिटी सही है, 40 ये क्वालिटी दिख रही है, वो तो बहुत हल्के थे वाले। 40 रुपीज के 10 है ये, तो यानी कितने का पड़ा? 4 रुपए का एक, 4 रुपए का, जबकि ये मार्केट में 10 का मिलता है। तो वहाँ पर ये चीजें काफी सस्ती है, आप जाओ तो ये ला सकते हो, कि आपको इकट्ठी लेनी हो ला सकते, छोटी है काकू के लिए छोटी ला। और ये नहीं है चम्मच, हमने ये पड़े थे 60 रुपए के, 5 रुपए का क्या दी? हाँ, ये भी ठीक है, सही है, जिस हिसाब से रहेगा। मैं उसको बुरा नहीं कह सकती कि बुरी चीज है, जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से उसकी चीज सही है। और ये लास्ट मैंने जैसे अपनी ली थी ना तीन, तो ये मैंने ये तीन और ली थी, एक अंदर रख दी है, दो मैंने खोल के देखा था, तो दो पूजा के पापा के लिए ली है। ये भी बहुत अच्छा स्टफ है, ये 50 रुपीज की है, ये भी 50, ये भी 50, तीन जोड़े सेट थे तीन तीन का। अच्छा, तो बाकी और बहुत सारा सामान था, हमने ज्यादा आगे तक नहीं जा पाए। अगली बार चले, अगली बार ले आना बाकी सामान। मैं ज्यादा आगे तक नहीं घूम पाई, मेरे को ना थोड़ा सा हो रहा था कि जल्दी घर जाऊं, क्योंकि मम्मी भी थे, दीपू भी थे, तो मेरे को था कि मैं जल्दी घर चलूं। नानी ने जाना भी तो था ना, मम्मी ने आज जाना भी था, मम्मी अपने जा चुकी है घर में, तो शाम को ही मम्मी गए हैं, तो मुझे दोपहर तक आना था। फिर दीदी को भी होता है कि जी आई का रोटी का टाइम है कुछ है, मुझे भी था इनका रोटी का टाइम है, तो हम 12:30 तक घर आ चुके थे। और आज गाइस मानो आज हमारे रश था, लेकिन वो लोग कह रहे थे आज रश कम है, तो हार गए ना बेबी। हाँ, तो अब क्योंकि वो सारे कह रहे हैं छठ पूजा के लिए सारे गांव गए हुए, इसीलिए आज थोड़ा रश कम था, वरना वहां पैर रखने की जगह नहीं होती। अगर सामान सस्ता है, ये चीज आप देख के जाना कि किसी टाइम जाओ तो सुबह के टाइम ज्यादा बेस्ट है वहां पर, दिन में तो बुरी हालत है। कोशिश करो सुबह के टाइम जाओ और अपना जो जो लेना है आपको सामान सस्ता पड़ जाएगा वहां पर। तो आज का, अब ये ब्लॉग समझो या हॉल वीडियो कुछ भी समझो, तो आज का जो वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।